आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के इस लेक्चर में बात करेंगे एलपीजी, सीएनजी तथा बायोगैस के बारे में। ठीक है, तीनों के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। ये केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट का छठा लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एलपीजी से। सबसे पहले एलपीजी के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो देखिए एलपीजी, इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। एलपीजी को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो कह रहा है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है फ्लेमेबल मिक्सचर होता है किसका? हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, गैसेस यूज्ड एज फ्यूल इन हीटिंग एप्लीकेशन सच एज कुकिंग एंड व्हीकल्स। बोला कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है फ्लेमेबल मिक्सर होता है हाइड्रोकार्बन गैस का, जिसका कि यूज होता है एज ए फ्यूल यूज होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं, चाहे वो हीटिंग एप्लीकेशन के लिए हो। तो हीटिंग एप्लीकेशन में क्या? कुकिंग हो गया, व्हीकल्स हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हीटिंग एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका कुकिंग हो गया या व्हीकल हो गया, सब में इसका यूज होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? एलपीजी। उसके बाद कह रहा है कि इट इज मेनली मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, यह जो मेनली मिक्सचर होता है, ध्यान रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन ही होता है मेनली। ठीक है, लेस अमाउंट में अदर कंस्टिट्यूएंट होता है, लेकिन मेनली अगर बात किया जाए तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो वही बात लिखा हुआ है, इट इज मेनली मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, जिसको कि C3H8 बोलते हैं, एंड ब्यूटेन C4H10। तो ध्यान रखिएगा एलपीजी जो होता है मेनली मिक्सचर होता है किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का। उसके बाद स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन में ऑल्सो भी प्रजेंट। हम बोले किसमें? स्मॉल कंसंट्रेशन में और दूसरा हाइड्रोकार्बन भी अवेलेबल होता है, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, मेजर कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो प्रोपेन और ब्यूटेन ही होता है, लेकिन माइनर कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो अदर हाइड्रोकार्बन भी इसमें प्रजेंट होता है। चलिए उसके बाद कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आर इन गैसियस फेज। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन का कंसंट्रेशन होता है वो गैसियस फेज में होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूरा करते हैं लाइन को। तो कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो भी हाइड्रोकार्बन के कंसंट्रेशन होते हैं, आर इन गैसियस फेज। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आर इन गैसियस फेज एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है ये गैसियस फेज में होते हैं। जो भी एलपीजी के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होते हैं? गैसियस फेज में होते हैं। लेकिन बट मे बी कंडेंस्ड, जब इसको ठंडा किया जाता है द लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर बाय द एप्लीकेशन ऑफ मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, जब इसको कंडेंस किया जाता है मॉडरेट प्रेशर पे, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये क्या हो जाता है? लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एलपीजी के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो गैसियस फेज में होते हैं नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। बट जब इसको कंडेंस किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर पे, किस पे? मॉडरेट प्रेशर पे और नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो यह लिक्विड स्टेट में आ जाता है, कोई दिक्कत? तो उसके बाद देखिए कह रहा है कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज 11,900 किलो कैलोरी पर केजी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिसको बोलते हैं, इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? 11,900 किलो कैलोरी पर केजी। तो एलपीजी के बारे में कम इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद बात करेंगे एलपीजी के एप्लीकेशन का। ठीक है, तो जानते ही हैं एलपीजी का वाइटल एप्लीकेशन है। तो देखिए पहला एप्लीकेशन कह रहा है हाउस होल्ड सेक्टर एज कुकिंग। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर कुकिंग के लिए, हीटिंग एज लाइटनिंग फ्यूल। देखिए जो भी हाउस होल्ड सेक्टर, जो भी डोमेस्टिक पर्पज से कह सकते हैं, खाना पकाने के लिए कुकिंग पर्पज से, हीटिंग पर्पज से या लाइटनिंग पर्पज से एज ए फ्यूल इसका यूज होता है। दूसरा कह रहा है कि कॉमर्शियली एज कुकिंग फ्यूल इन होटल एंड रेस्टोरेंट्स।
कॉमर्शियली भी इसका यूज होता है होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में। उसके बाद ऑटोमेटिव सेक्टर, ऑटोमेटिव में भी यूज होता है इसका। ऑटोमेटिव सेक्टर एज फ्यूल फॉर टैक्सी वैन्स एंड प्राइवेट कार्स, तो ऑटोमेटिव सेक्टर में भी इसका यूज होता है। उसके बाद क्या आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एज कटिंग एंड हीटिंग फ्यूल, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर वहाँ भी कटिंग और हीटिंग के लिए एलपीजी का यूज होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर क्रॉप ड्राइंग, ठीक है, क्रॉप को ड्राई करने के लिए, फसल को ड्राई करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एलपीजी का यूज होता है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका यूज कह सकते हैं होता है। केमिकल फीड स्टॉक में भी इसका यूज होता है। वेल्डिंग एंड कटिंग में भी एलपीजी का यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं। चलिए इसके बाद बात करेंगे सीएनजी के बारे में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीएनजी, शॉर्ट में सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए कह रहा है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज फ्यूल डैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन या पेट्रोल आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, पेट्रोल और गैसोलीन सेम चीज़ है, ठीक है। इंडिया में हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, अदर कंट्री में इसको गैसोलीन भी कहा जाता है एंड डीजल। कह रहा है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फिर से देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ गैसोलीन एंड डीजल या पेट्रोल एंड डीजल। कह रहा है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है एक ऐसा फ्यूल होता है जिसका कि यूज हम लोग करते हैं गैसोलीन या पेट्रोल जिसको कहते हैं और डीजल के स्थान पर। फिर कह रहा है कि सीएनजी कंबस्चन प्रोड्यूसेस फ्यू इवर अनडिजायरेबल गैसेस देन द कन्वेंशनल फ्यूल्स। बोला कि सीएनजी का जब भी कंबसन होता है, सीएनजी को जब भी जलाया जाता है, कंबसन जब भी सीएनजी का होता है, नहीं के बराबर, ठीक है, अनडिजायरेबल गैसेस प्रोड्यूस करता है, मतलब हानिकारक गैसेस कह सकते हैं, नहीं के बराबर, नहीं ही करता है सीएनजी प्रोड्यूस, ठीक है। तो कह रहा है कि देन द कन्वेंशनल फ्यूल्स, कन्वेंशनल फ्यूल की तुलना में, जो भी कन्वेंशनल फ्यूल होते हैं उसके रेस्पेक्ट में जो सीएनजी होता है, जब सीएनजी का कंबस्चन कराते हैं तो नहीं के बराबर अनडिजायरेबल गैस को ये प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग कंबस्चन कह सकते हैं, कंबस्चन के दौरान, या नहीं के बराबर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है जो कि कन्वेंशनल फ्यूल प्रोड्यूस करता है। कन्वेंशनल फ्यूल में बात करें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो जलाने पे जब इसका कंबस्चन होता है तो ये लोग, ये सब गैस, ये सब का जब भी कंबस्चन होगा तो क्या होगा, तो ये सब प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हार्मफुल गैसेस को। लेकिन सीएनजी का कंबस्चन जब भी होगा तो ये कोई हार्मफुल गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ ऑब्टेंड बाय कंप्रेसिंग नेचुरल गैस विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मिथेन CH4 टू लेस देन 1% ऑफ वॉल्यूम, इट ऑक्यूपाई एट स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कह रहा है कि जब स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, मिथेन को उसके वैल्यूम का 1% तक कंप्रेस्ड करते हैं तो इसी से सीएनजी प्रोड्यूस्ड होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सीएनजी जो होता है मीथेन को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, उसके वैल्यूम का, उसके आयतन का 1% तक कंप्रेस करके हम लोग क्या करते हैं, सीएनजी बनाते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद कह रहा है कि इट इज यूजुअली स्टोर्ड इन सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल शेप, जनरली जो स्टोर कर किया जाता है इसको सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल शेप में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल शेप में क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड किया जाता है इसको, इसीलिए, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो इंटरनल प्रेशर के वजह से इसका जो शेप होता है वो शेप सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल शेप होता है। सीएनजी को स्टोर करने के लिए जो शेप कंसिडर्ड किया जाता है वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, जब भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस, उसके वॉल्यूम का 1% तक आप समझ सकते हैं तो प्रेशर कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में प्रेशराइज्ड गैस होगा। तो अगर कंटेनर उसको रखने के लिए जिसमें स्टोर कर रहे हैं तो उसको उस प्रकार डिजाइन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी को स्टोर जो किया जाता है सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल शेप में इसको स्टोर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है आगे सीएनजी इज यूज्ड इन इंटरनल कंबस्चन इंजन,
कि सीएनजी का जो यूज होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन में होता है। इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन समझ लीजिए, आईसी इंजन और ईसी इंजन, ठीक है। जहाँ भी सिलेंडर इंजन में सिलेंडर के, ठीक है, जहाँ भी इंजन में अंदर आग लगता है, इसे समझिए ठेठ भाषा में इंटरनल कंबस्टन, मतलब इंजन में अंदर में आग लगता है। कोई भी मशीन के सिलेंडर पिस्टन अंदर में रहता है, अंदर में आग लगता है, ठीक है। तो जब भी मशीन के अंदर कंबस्टन होगा उसको आईसी इंजन बोलेंगे। जितना व्हीकल वगैरह सब आईसी इंजन है। एक होता है ईसी इंजन, जब एक्सटर्नल में कंबस्टन होता है, जैसे बॉयलर वगैरह हो गया। बॉयलर देखिए क्या होता है कि पाइपलाइन के थ्रू वाटर को पास कराते हैं और इसके बाहर में आग लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये वाटर पास करेगा तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी स्टीम को टरबाइन के ब्लेड तक लेके जाया जाता है। तो बॉयलर में देखिए आग कहाँ लग रहा है, बाहर में आग लग रहा है, तो ये इसी इंजन हुआ। जितना ऑटोमोबाइल वगैरह हो गया ये ऐसी इंजन हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, कह रहा है कि सीएनजी इज यूज्ड इन इंटरनल कंबस्टन इंजन इन व्हीकल्स, ठीक है, स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर इट। कह रहा है कि जो भी इसके लिए मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, जो भी व्हीकल वगैरह, जो भी ऑटोमोबाइल, जो भी कह सकते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन स्पेशल इसके लिए मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, वहाँ पे सीएनजी यूज होता है। फिर कह रहा है कि इट्स एप्लीकेशन इंक्रीजिंग डे टू डे बिकॉज ऑफ हाई फ्यूल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। बोला कि डे टू डे सीएनजी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते जा रहा है। क्यों? देखिए, क्योंकि इससे कोई लॉसेस नहीं है, लॉसेस के वजह से कह सकते हैं इसका डे टू डे क्या हाई रिक्वायरमेंट होते जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सीएनजी, सीएनजी का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। तो देखिए सीएनजी में पहला एप्लीकेशन देखिए कह रहा है कि सीएनजी कैन यूज्ड इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स बाय द यूज ऑफ सीएनजी किट। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं तो उसमें सीएनजी एगो किट आता है, ठीक है। सीएनजी किट लगा दीजिए तो वो इंजन सीएनजी से चलने लगेगा। वो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन व्हीकल्स अगर यदि सीएनजी से आप चलाना चाहते हैं तो एक सीएनजी किट आता है, सीएनजी किट अटैच कर दीजिए और उसके बाद वो आपका व्हीकल सीएनजी से ऑपरेट होने लगेगा। तो वही बात कर रहा है कि सीएनजी इज यूज्ड इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स बाय द यूज ऑफ सीएनजी किट, कि सीएनजी किट लगा के पेट्रोल और डीजल दोनों प्रकार के व्हीकल में इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है रेसिडेंशियल पर्पज़ में भी इसका यूज होता है, कॉमर्शियल पर्पज़ में भी, हीटिंग पर्पज़ से कह सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी होता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन सेक्टर में भी होता है, जहाँ भी स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन ऑफ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए अब बात करेंगे बायोगैस, जिसको गांव घर में इंडिया में गोबर गैस कहते हैं, ठीक है। चलिए बायोगैस के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि बायोगैस जो मिक्सचर होता है, बायोगैस जो मिक्सचर होता है मेनली आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। पहले ध्यान रखिएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है कौन, बायोगैस, जो कि प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस कहाँ से होता है, जब ब्रेकडाउन कराते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, तो ऑर्गेनिक मैटर में वेस्ट वगैरह हो गया, फ्रूट वेस्ट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, आपका स्वैज वगैरह हो, स्वैग स्वैग गोबर वगैरह जिसको कहते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, वेस्ट वगैरह को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डिकम्पोज कराते हैं, ब्रेकडाउन कराते हैं, तो वहाँ पे एक गैसेस का मिक्सचर बनता है, मीथेन और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर बनता है, जिसको बायोगैस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन से, और उसका मेनली कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो क्या क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे कह रहा है कि बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल सच एज एग्रीकल्चरल वेस्ट, फूड वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट, प्लांट मटेरियल, स्वैग इटीसी। कह रहा है कि बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या यूज होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा एग्रीकल्चरल वेस्ट, फूड वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट, ठीक है, प्लांट मटेरियल लकड़ी वगैरह को, उसके बाद स्वैज वगैरह, स्वैग वगैरह क्या हो गया, गोबर इसका होता है स्वैग, ठीक है, कितना अच्छा इंग्लिश नाम है स्वैग, लेकिन हिंदी देखिए क्या होता है, गोबर, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। इट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है, या जो एनर्जी का सोर्स होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये,
इट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इन इंडिया इट इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। इंडिया में इसको क्या कहा जाता है? गोबर गैस कहा जाता है। चलिए आगे कह रहा है कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, तो ध्यान रखिएगा मेनली कंपोजिशन इसका दो ही होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन लेस अमाउंट में और कंपोजिशन होता है। तो ध्यान रखिएगा कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं। तो मीथेन 50-75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25-50%, नाइट्रोजन 0-10%, हाइड्रोजन 0-1%। चलिए तो ध्यान रखिएगा यही इसका कंपोजिशन होता है। मेनली अगर बात करें कंपोजिशन तो यही दो कंपोजिशन इसका होता है बायोगैस का, ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेस अमाउंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन 0-10% तक हो सकता है, हाइड्रोजन 0-1% तक हो सकता है। चलिए अब कह रहा है आगे एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखिए कह रहा है पहला कि बायोगैस इज यूज्ड एज कुकिंग फ्यूल, बायोगैस को कुकिंग फ्यूल के पर्पस से यूज कर सकते हैं। पुराने ज़माने में बहुत बायोगैस का एप्लीकेशन था, ठीक है, धीरे धीरे एलपीजी वगैरह अब सब फुल्ली डिपेंडेंट हो गया एलपीजी वगैरह पे, ठीक है। नहीं तो अभी भी देखिएगा पुराने ज़माने में गोबर गैस जिसको बोलते हैं गाँव घर में, गोबर गैस का अभी भी टंकी गाँव सब में मिलेगा आपको देखने को, ठीक है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, ठीक है, नॉन फंक्शनल है, खैर कोई बात नहीं है, समझिए। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस कह रहा है कि बायोगैस इज यूज्ड एज कुकिंग फ्यूल, बायोगैस को कुकिंग फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद बायोगैस इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग पर्पस, लाइटनिंग पर्पस से भी इसका यूज होता है। बायोगैस इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस, हीटिंग पर्पस से भी इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फ्यूल एज आईसी इंजन, आईसी इंजन में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड टू रन एग्रीकल्चरल मशीन, एमसी मतलब मशीन, ठीक है, एग्रीकल्चर मशीन को चलाने के लिए भी इसका यूज होता है। उसके बाद बायोगैस इज यूज टू हीट अमोनिया ऑफ रेफ्रिजरेटिंग प्लांट, बायोगैस का जो यूज होता है रेफ्रिजरेटिंग प्लांट में अमोनिया को हीट करने के लिए, अमोनिया को गर्म करने के लिए भी बायोगैस का यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बायोगैस का कितना ज़्यादा एप्लीकेशन है। पहले बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन था, अब धीरे धीरे मिनिमाइज हो गया, लेकिन यही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है, ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ, लेकिन नहीं देता है, क्या कीजिएगा। तो हम लोग इस लेक्चर में बात किए एलपीजी के बारे में, ठीक है, सीएनजी के बारे में और बायोगैस के बारे में। अब हम लोग कल से, ठीक है, हम लोग बात करेंगे लुब्रिकेंट के बारे में। यहाँ पे आपका फ्यूल कंप्लीट होता है, आप लोग सिलेबस से मैच करा लीजिएगा, फ्यूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट का, उसमें मेनली हम लोग बात करेंगे लुब्रिकेंट के बारे में, लुब्रिकेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है लुब्रिकेंट का, आइडियल लुब्रिकेंट किसको बोलेंगे वगैरह वगैरह, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में जानेंगे, लुब्रिकेंट के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।